सरकारें पहले भी बैंकों के निजीकरण की बातें करती थीं, मगर उसके आगे फैसला नहीं ले पाती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार निजीकरण को लेकर इतनी मुखर हो गई है? 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में हुए इकोनॉमिस्ट इंडिया समिट में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जनता और राजनीतिक सोच इस पर एकमत है जहां हम बैंकों के निजीकरण के बारे में सोच सकते हैं। हम जरूर बैंकों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। जेटली के इस बयान के 4 साल बाद स्थिति बदल गई। क्या जनमत और राजनीतिक वर्ग की सोच निजीकरण को लेकर एक हो गई है? मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान छपा है कि सरकार एक युक्तिसंगत नीति बना रही है जिसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा और उसमें 4 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं होंगी। इसका एक मतलब तो निजीकरण ही है और यह भी कि 4 बैंक ही सरकारी रहेंगे। लेकिन इस साल के बजट में सरकार ने निजीकरण को लेकर अपना इरादा कुछ और तरीके से साफ कर दिया। In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. कुछ साल पहले तक भारत में 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे, अब उनके विलय के बाद, आपस में विलय के बाद 12 रह गए हैं। इनमें से 2 बैंकों के बेचने की बात आ रही है। इसके बाद कितने और बैंक बिकेंगे कोई नहीं जानता। वित्त मंत्री कहती हैं 2 के बाद नहीं बिकेंगे। पिछले साल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नीति आयोग से जुड़ी एक खबर छपी थी कि नीति आयोग ने यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक को बेचने का प्रस्ताव दिया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्सप्रेस के सनी वर्मा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि यह निजीकरण का सही समय है। अनुराग ठाकुर बताते हैं कि बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार ने 3.5 लाख करोड़ की पूंजी डाली, उसके बाद विलय का रास्ता अपनाया, 14 बैंकों का विलय हुआ। अनुराग ठाकुर यह भी कहते हैं कि अब बैंकों के बेचने की प्रक्रिया चलेगी जो काफी लंबी होगी। जाहिर है बात 2 बैंकों के बेचने पर नहीं रुकती है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स यूनियन ने अपने पर्चे में लिखा है कि निजीकरण के बाद से गांव में बैंकों के ब्रांच कम हो जाएंगे, बैंकों का चरित्र शहरी होता जाएगा, बचत पर मिलने वाले ब्याज में कमी आ जाएगी जिसके कारण रिटायर्ड लोग भी परेशान होंगे, छोटे किसानों को कर्ज मिलना कम हो जाएगा, छोटे और मझोले किस्म के व्यापारियों को लोन मिलना कम हो जाएगा, कॉरपोरेट और बड़े घरानों को कम ब्याज दर पर ज्यादा लोन मिलने लगेगा, जनता की बचत और पूंजी पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, स्थायी नौकरियां घट जाएंगी और ठेके पर नौकरियों की संख्या बढ़ जाएंगी। इन बैंकों में 100 लाख करोड़ का जमा है, उस 100 लाख में 40 लाख सेविंग फंड के पैसे हैं। छोटे गरीब पेंशनधारी औरतें जिनका विश्वास सरकारी बैंक के ऊपर ही है, उनका प्राइवेट बैंक पर विश्वास नहीं है, ये अगर बैंक सब बिक गए तो वही होगा जो एस बैंक के साथ हुआ, जो PMC के साथ हुआ, एक प्राइवेट बैंक जो बिक गए DBS के हाथ, ये पैसे खतरे में हैं। अगर सरकारी बैंक खत्म हो जाएंगे ना तो लोग को ऑप्शन नहीं होगा, तो सारे लोग उनके पास ही जाएंगे, तो देश का जो राष्ट्रीय विकास है ना वो कुछ लोगों के लिए होगा, हर आदमी का विकास नहीं हो सकता। जो इकोनॉमिक पावर है वो कंस्ट्रेन कर जाएगी कुछ लोगों के हाथ में, तो उससे पॉलिटिकल सिस्टम को भी खतरा है और डेमोक्रेसी को भी खतरा है। बैंक यूनियन मानते हैं कि सरकार की नीति और दबाव के कारण बैंकों की हालत खराब हुई है। बैंकों को लोन देने के लिए मजबूर किया गया और ना चुकाने पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बना, उससे नुकसान बैंकों को ही हुआ। NPA की वसूली के लिए मोदी सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर आई, जिसकी बहुत तारीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे इस कोड से भी बचने का रास्ता निकाल लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी किताब ओवरड्राफ्ट में लिखा है
के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया था डिफॉल्टर से कर्ज वसूलने के लिए, लेकिन यह भी एक छल जैसा लग रहा है। चंद उद्योगपतियों के गिरोह के कब्जे को तोड़ने के लिए लाया गया यह कोड उनके ही फायदे के लिए साबित हो रहा है। अधिकारियों और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने मिलकर इस कोड की धार को भोथरा कर दिया है। कोड की जो मूल मंशा थी वो अब नजर नहीं आती है। यही नहीं, जैसे ही तालाबंदी हुई इस कोड के तहत कर्ज वसूलने को दिसंबर 2020 तक के लिए रोक दिया गया और फिर बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई। कंपनियों को इतनी राहत दी गई, मिडिल क्लास ईएमआई पर राहत मांगता रहा लेकिन उन्हें इतनी लंबी राहत नहीं मिली। मगर करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर को कितनी राहत दी गई आप देख सकते हैं। कुछ कुछ कॉर्पोरेट है, हम नाम नहीं बताएंगे, जो सरकार को मदद कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र में हावी हो रहा है, वो बैंकिंग क्षेत्र भी अपना कायम करना चाहते हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, टोटल एनपीए है कॉर्पोरेट सेक्टर में। अभी नया एक शब्द है हेयर कट, मतलब बाल कटवाना। उसका क्या अर्थ है बैंकिंग टर्म्स में? मतलब कोई किसी का बोरोइंग है, मान लीजिए एक दो एग्जांपल है मेरे पास। आईडीबीआई बैंक का जो बोरोअर थे मालविका स्टील और उषा इस्पात, मालविका स्टील का टोटल आउटस्टैंडिंग था 594.50 करोड़, उषा इस्पात का टोटल आउटस्टैंडिंग आईडीबीआई बैंक के पास था 321.22 करोड़। वो डिफॉल्टर बनने का बाद वो जो रिजोल्यूशन अभी है आईबीसीआई एनसीएलटी है, लेकिन वो एकदम बेकार है। वो रिजोल्यूशन होके वो एसेट टोटल बेच दिया गया, मालविका स्टील 42 करोड़ भी नहीं मिला आईडीबीआई बैंक, उषा इस्पात से सिर्फ 48 करोड़ मिला। बाकी जो अमाउंट है उसको हेयर कट कहते हैं। वो हेयर कट नहीं है बल्कि वो है शरीर के एक एक अंग कट रहे हैं और थोड़ा बाल दे दिया आईडीबीआई बैंक को, आप ये ले लीजिए, ये आप स्वीकार कीजिए, ये आपका मतलब यही आपका फायदा है। तो अगर ऐसे लाखों ऐसे मालविका स्टील है, उषा इस्पात है, जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक ने लोन दिया है कॉर्पोरेट्स को, वैसे ही रिजोल्यूशन हो रहा है, इतना हेयर कट ले रहे हैं, इसीलिए ये घाटा में चल रहा है। लेकिन ये जो 7 लाख करोड़ जो आउटस्टैंडिंग है इसका 20% अगर रिकवरी हो जाए तो एक भी सरकारी बैंक को सरकार से एक भी रुपया मदद लेना नहीं पड़ेगा। बैंक यूनियन के नेता स्वामी दत्ता यही बता रहे हैं कि जिस कंपनी पर 500 करोड़ का लोन बाकी है उसे बेच देने पर 50 करोड़ की ही वसूली हो पाती है। रिजर्व बैंक ने कहा कि साल सितंबर तक, 2021 के सितंबर तक बैंकों के एनपीए में 13.5% की वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा लोन की क्या स्थिति है इसके बारे में बैंक के भीतर के लोगों को सही सही पता है, बाहर नहीं बताते। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि किसी बैंक को बेचने के पहले उसके एनपीए का क्या होता है। बैंक यूनियनों का कहना है कि तालाबंदी और बाद में आर्थिक संकट के कारण सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स की वसूली कम होने की उम्मीद है, इसलिए बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाना चाहती है इसलिए अपनी संपत्ति बेच रही है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन सरकार के 6.63 लाख करोड़ था 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर, कम करने के बाद 2019-20 में वो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5.56 लाख करोड़, 2021 में जाकर वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करके 4.46 लाख करोड़ हुआ। ये जो 2 लाख करोड़ का जो घाटा माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में वो अनाउंस किया, ये 2 सरकारी बैंक को सरकार बेच देंगे, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बेच देंगे, LIC का शेयर FDI लिमिट 74% होगा। तो ये सारे जो निर्णय ले गया, क्योंकि उनका ये पब्लिक सेक्टर जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी बेचकर 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड, हम गणित में जो पढ़े थे स्कूल में, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बैलेंस करने के लिए जो नेशनल एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं। बैंकों के नेता कहते हैं कि निजीकरण के बाद बहुतों की नौकरियां जाएंगी, वित्त मंत्री कहती है नहीं जाएगी। बैंकों के विलय के बाद बहुत सारे एटीएम बंद हो गए और उनके साथ 3 लोगों की नौकरियां कम हो गई।
ये बैंक के नेता कहते हैं। अब यहीं पर हमारे पास सही डेटा नहीं है कि कितने एटीएम बंद हुए विलय के बाद और कितने कर्मचारी निकाल दिए गए। हमारी सहयोगी सोनाक्षी दिल्ली के जंतर मंतर गई थी जहां बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे थे। हर एम्प्लॉय अगर अब नहीं जगा तो फिर हमारे पास मौका नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर रही है जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग बेनिफिट, तो आप अपना जनधन योजना ले लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ले लीजिए, ट्रांसफर ले लीजिए, ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू ही पहुंचती है आम लोगों तक। गांव-गांव में कोई भी आप एक्सिस बैंक की या आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक की ब्रांचेस नहीं देखेंगी। मैम हम जानते हैं कि हमारी दो दिन की सैलरी कटेगी, बट ये जो चीज है ये हमारे ही फ्यूचर के लिए है। प्राइवेटाइजेशन हो गया तो ये सैलरी जो मिल रही है ना ये भी नहीं मिलेगी हम लोगों को। वी आर सेविंग अ फ्यूचर। बैंक को बेचे जा रहे हैं, सारी पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, ये कोई वो दुख नहीं है कि गवर्नमेंट का कि हर एक कुछ बेच दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन का पार्ट है जो प्राइवेट बैंक अंदर घुसने भी नहीं देंगे, उनको हम लोग केटर करते हैं। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज जो एक एक लोगों तक पहुंचाते हैं, रूरल एरियाज में पहुंचाते हैं, वो हम लोग हैं। और अब हम लोगों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट मोटिव सर पे डाल दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज जो एक एक बंदे के लिए होती है वो उन तक पहुंचेगी? मतलब हमको फिर से गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है। पहले हम अंग्रेज सरकार के गुलाम थे और आज हम सिर्फ एक चंद कॉर्पोरेटों के गुलाम होकर रह जाएंगे। बैंकों के भीतर काम काज का माहौल भी खराब हुआ है। तबादला नीति से लेकर कम सैलरी और बैंक का काम छोड़कर बीमा पॉलिसी बेचने का दबाव बढ़ा है। आप एक बार YouTube पर प्राइम टाइम की बैंक सीरीज देख लेंगे तो सिहर जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वहां आईटी सेल और व्हाट्सएप ग्रुप का असर कमजोर है। बैंक के ही लोग बताते हैं कि उस सीरीज को देखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में लोग भड़क जाया करते थे, इसका क्यों दिखा रहे हो। वैसे लोग तारीफ भी करते थे। राहुल गांधी लगातार निजीकरण को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उनका तर्क है कि सरकार चंद उद्योगपतियों के हाथ में बैंकों को दे देना चाहती है ताकि हर चीज पर उनका कंट्रोल हो जाए। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज जवाब दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि राहुल कम्युनिस्टों की भाषा बोलने लगे हैं, उनकी बात का यही मतलब है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह ने बैंकों की हड़ताल का मुद्दा उठाया, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सवाल यहां लिस्टेड नहीं है, सूची में नहीं है, अगर प्रश्न स्वीकार किया जाता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। There is a huge anger against the decision of the government of India to allow the two PSBs to be privatized. May I know from the honorable minister under what policy and under what parameters fixed by the government of India you are allowing the two PSBs to be privatized? Thank you. Well, I don't think this relates to the question at all, sir. Right. It doesn't. Right. Thank you. Please. This is not aspect of this question. Right. So nobody is cutting the issue, sir. Honorable member should appreciate that this question relates to certain aspects on which we are willing to answer. If there is a question admitted. Please, Mane, sir. Sir, I'm addressing you, sir. If there are questions, we'll answer. But skirting is not right, sir. I'm sorry, that should be removed. Right, yes. जो बैंक अपने दरवाजे पे आम हिंदुस्तानी को खड़ा नहीं रहने देता था, गरीब मिडिल क्लास को, उन्हीं को लोन देने पे मजबूर हुआ। जो इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज हुई, जो LIC हुई, रेलवे है, इनको खत्म करके चंद दोस्तों के फायदे में काम हो रहा है। इसका हमने आज राज्यसभा में विरोध किया है, इन कर्मियों का समर्थन किया है और आगे भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। पर आपका क्या स्टैंड है सर? आखिरी सवाल LIC पर। हम चाहते हैं कि ये भारत देश के लिए हित में है और LIC का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसे खत्म करने की साजिश चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। क्या यह कांग्रेस की नई लाइन है कि वह निजीकरण के खिलाफ है? कांग्रेस को इन बैंकों के निजीकरण को लेकर और स्पष्टता दिखानी चाहिए, क्योंकि निजीकरण के मामले में कांग्रेस और BJP के बीच अंतर की रेखा काफी पतली होती है। मनीष कुमार ने पटना में हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मचारियों से बात की। सरकार भले कह रही हो कि स्टेट बैंक का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन इस हड़ताल में स्टेट बैंक के कर्मचारी भी शामिल हुए। जब इस सरकार को पैसे की भूख है, पैसों के लिए बैंकों को बेचना है, तो आज आप कोरोना पीरियड में के नाम पर एक चार बैंक को बेच रहे हैं, कल दूसरी विपत्ति आएगी फिर चार बैंक को बेच दिए। प्राइवेटाइजेशन कोई समस्या का हल है? अगर प्राइवेटाइजेशन ही समस्या का हल होता तो इतने जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वो सब बंद हो गए होते।
सरकारी अस्पताल बंद हो गए होते। सारा प्राइवेट कर देने का उनका मेन मकसद यही है कि जब सरकारी संस्था ही नहीं रहेगी तो आरक्षण के लिए लोग मांग नहीं करेंगे, और जो फिजिकल हैंडीकैप से भी जिनकी नौकरियां होती हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर हैंडीकैप को तो नौकरी नहीं देता है। हमारा सभी योजना, जितना भी सरकारी योजना है, वो सरकारी बैंकों द्वारा ही हो रही है। कोई भी प्राइवेट बैंक आज पीएम स्वनिधि नहीं कर रहा है। जनधन योजना अगर चला है तो हमारे बलबूते पे चला है। आज गरीब के घर में पैसा बच रहा है तो हमारे बलबूते पे बच रहा है। अगर निजीकरण करने से फायदा है तो पहले पार्लियामेंट को निजीकरण कर दो। हम एक करके काम करते हैं, सुबह शाम हम एक करके काम करते हैं। हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट होते हुए भी आके काम करती है, और उनको कल उनके भविष्य पे कुठाराघात किया जा रहा है। काश कोई सर्वे करता कि 10 लाख बैंक कर्मचारियों में गोदी मीडिया कितने लोग देखते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में सांप्रदायिक बातों का लीडर कौन है, आईटी सेल की अफवाहों को फैलाने में कौन सबसे आगे रहता है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब बैंकों के व्हाट्सएप ग्रुप में किसानों को देशभक्त कहा जाता था या आतंकवादी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह सब जानना बहुत जरूरी है। बिना इन सवालों के जवाब जाने आपको आज के आंदोलनों की ताकत, उनकी ईमानदारी और उनके भविष्य का अंदाजा नहीं हो सकता। हम लोगों को यही लगता है कि सारे चैनल सरकार के समर्थक हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो विरोध हो वो नेशनल चैनल पर चले। सारे लोगों को फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि राष्ट्रव्यापी 2 दिन का हड़ताल है। कुछ लोकल जो समाचार पत्र वाले हैं वो लोग आए, फोटो खींच के चले गए, लेकिन वो उन्होंने केवल फोटो खींचा है। लोकल जो पटना का लोकल जो न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया हो या जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस दोनों में जो है लोकल लोग ही आए हैं। क्योंकि भारत सरकार का विरोध है, इसलिए भारत सरकार का दबाव बाकी नेशनल टीवी पर जो है ज़्यादा रहता है। यह बेहद जरूरी सवाल और जवाब है। जब आप आंदोलन करते हैं तो विपक्ष बन जाते हैं, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं तो विपक्ष का मजाक उड़ा रहे होते हैं। हर तरह के विपक्ष का मजाक उड़ाने का नतीजा यह हुआ है कि हर आंदोलन बेअसर होने लगा है। जब कई करोड़ किसानों के आंदोलन करने पर उनके रास्ते में कीले लगा दी गई, उन्हें आतंकवादी कहा गया, तो फिर बैंक कर्मचारी अपनी हड़ताल को संख्या से जोड़कर क्या साबित करना चाहते हैं कि 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं? सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है उस प्रक्रिया का जिसके तहत नागरिकता और अधिकार के बोध को खत्म कर दिया गया, आपने खुद से भी खत्म कर लिया। किसान आंदोलन का हाल सबके सामने है, लेकिन किसान सुधार कर रहे हैं। अपने आंदोलन के दिन गिनने छोड़कर वो हर दिन कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। क्या बैंक कर्मचारी अपनी लड़ाई को इतने दिनों तक जारी रख पाएंगे? हड़ताल करने वाले बैंक कर्मी कह रहे हैं कि 97% जनधन खाते सरकारी बैंकों में खुले, 98% पेंशन के खाते सरकारी बैंकों में खुले, 95% किसान क्रेडिट कार्ड सरकारी बैंकों में खुले, 80% एजुकेशन लोन सरकारी बैंकों में खुले। उनका कहना है भारत को सरकारी बैंकों की इसलिए जरूरत है। इन बैंकों में मैक्सिमम लोन किसान का होता है, विद्यार्थियों का शिक्षा ऋण होता है, गरीब लोगों का होता है। ये सारे लोन बंद हो, क्योंकि प्राइवेट बैंक का मोटो केवल और केवल पैसा कमाना होता है। फिर जो छोटे डिपॉजिट होते हैं ना बैंक में, वो होने बंद हो जाएंगे। अब मुद्रा खाते में मान लो 42 करोड़ खाते हैं, उनमें 1 लाख करोड़ रुपया है, वो सब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वाले हैं। ये सारे वहाँ जमा होंगे ही नहीं, होंगे तो उनमें चार्जेस कट जाएंगे और जीरो हो जाएगा, क्योंकि बैंक किसी भी देश के इकोनॉमी का मिरर होता है। बैंक इकोनॉमी को उठाता है। जैसे पीछे देख लो 2007-8-6 में जब देश पूरा दुनिया में डूबी हुई थी अर्थव्यवस्था, तो भारत की नहीं डूबी, क्योंकि भारत सरकार ने हम लोगों को कहा कि आप बढ़ चढ़ के लोन कीजिए। हम लोगों ने लोन किया, अर्थव्यवस्था को बचाया। भले ही वो लोन बाद में खराब हुए, जिनका एनपीए का माल हम झेल रहे हैं, लेकिन देश को हम लोगों ने बचा लिया था। ब्रेक के बाद हम चलेंगे दिल्ली की राजनीति।